प्यारे बच्चों, आज हिंदी रचना में हम पर्यायवाची शब्द लिखेंगे और समझेंगे। सबसे पहले हम यह जानते हैं पर्यायवाची किसे कहते हैं। समान अर्थ देने वाले शब्द पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे हवा, हवा के दो पर्यायवाची हुए वायु, पवन। उसी प्रकार रात, रात शब्द के दो पर्यायवाची हैं निशा और रजनी। आइए बच्चों, अब हम कुछ और पर्यायवाची शब्द लिखते और समझते हैं। धरती, पृथ्वी, भूमि, धरा, वसुधा। बच्चों, यहाँ मैंने धरती के चार पर्यायवाची शब्द लिखे हैं, आपको कोई दो याद करने हैं। इसके अलावा अगर आपने पिछली क्लास में कोई और पर्यायवाची शब्द याद किया हो तो आप धरती का वो पर्यायवाची शब्द भी लिख सकते हैं। आकाश, नभ, व्योम, गगन, आसमान। ईश्वर, भगवान, परमात्मा, प्रभु, जगदीश। मित्र, साथी, सखा, सहचर, दोस्त। राजा, नृप, नरेश, भूप, भूपति। देवता, देव, सूर, अमर, विबुध। चंद्रमा, चांद, शशि, राकेश, मयंक। पेड़, तरु, विटप, वृक्ष, द्रुम। घर, गृह, सदन, भवन, आलय। बच्चों, किताब में ये शब्द गृह की जगह ग्रह है, उसको आपको काटकर गृह लिखना है। अमृत, सोम, सुधा, पीयूष, अमी। धन्यवाद।